वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार ब्रोद प्रयागराज माई सेल्फ नीरज तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में बताएंगे। गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है क्या। गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम यूज करते हैं किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम, यानी एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में कोऑर्डिनेट को, किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करते हैं। तो गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन समझने से पहले थोड़ी सी एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे मानते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है जिसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर हमारा क्या है, फ्रेम यस में लाइज करता है। फ्रेम यस का मतलब हम प्लेटफॉर्म, आपने रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म देखा होगा, प्लेटफॉर्म को हम मान लेते हैं फ्रेम यस है। प्लेटफॉर्म को हम मानते हैं कि फ्रेम यस है और प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी एक गाड़ी है जो रेस्ट पोजिशन में खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म पे ही है, उसको हम मान लेते हैं कि फ्रेम यस डैश है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसको हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं, और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है या ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसको हम फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर मानते हैं। यानी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति कहाँ है, ट्रेन के अंदर खड़ा है, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके सापेक्ष ट्रेन भी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। यानी ट्रेन की भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति के भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन में लगातार बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ होल्ड करेगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिस फ्रेम को में होल्ड करता है वो फ्रेम हमारा कैसा कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। उसी प्रकार से जो ट्रेन है, ट्रेन भी रेस्ट पोजीशन में है, तो ट्रेन में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट पोजीशन में होगा, और वो भी रेस्ट पोजीशन में होने के नाते जो ट्रेन है वो भी हमारा एक प्रकार का फ्रेम है। तो कहने का मतलब वो भी कैसी फ्रेम होगी, इनर्शियल फ्रेम होगी। हमारे पोजीशन को, जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उस व्यक्ति के पोजीशन को बताने के लिए हमको तीन कोऑर्डिनेट्स, ऐसे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, एक्स वाई और जेड की। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति की स्थिति को, पोजीशन को बताने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, एक्स वाई जेड की। और उसी प्रकार से जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा है उसको भी, उसकी भी पोजीशन को, उसके भी स्थिति को बताने के लिए, ट्रेन के सापेक्ष उसकी स्थिति को बताने के लिए भी तीन कोऑर्डिनेट्स के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश की आवश्यकता होगी। तीन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा है उसकी स्थिति को बताने के लिए, और जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसकी स्थिति को बताने के लिए भी तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, एक्स वाई और जेड की। ठीक, अब हम मानते हैं कि किसी क्षण, किसी समय वह ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर है वो ऑब्जर्वर किसी कार को ऐसे उछालता है। जब कार को उछालेगा, जिस टाइम पे कार की स्पेस में होगा, स्पेस में उसी टाइम पे हम कंसीडर करेंगे, उस टाइम पे कार जिस टाइम पे स्पेस में होगा उस टाइम पे कार की स्थिति क्या होगी या कार का पोजीशन क्या होगा वही हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ कार का पोजीशन किसके सापेक्ष, यहाँ कार को जो फ्रेम यस से, यानी जो फ्रेम, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी कार के पोजीशन को मेजर कर रहा है, और जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी कार के पोजीशन को, यानी पत्थर जो कंकड़ है या कह सकते हैं जो पार्टिकल है या जो कोई कार्क है उस कार्क की स्थिति को जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है वो भी मेजर कर रहा है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो भी मेजर कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जब उस कार्क को या उस पार्टिकल को मेजर करेगा जो ट्रेन के अंदर कार्क है स्पेस में, उस कार की स्थिति को मेजर करेगा, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति अपने सापेक्ष, अपने कोऑर्डिनेट के सापेक्ष उसको मेजर करेगा और अपने रेफरेंस सिस्टम के सापेक्ष उसको मेजर करेगा, और जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति है, ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको अपने अकॉर्डिंगली मेजर करेगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई कार्क है जो कि पॉइंट पी पे यस डैश फ्रेम में, हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन हमारी है वो फ्रेम हमारा यस डैश है, और जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा फ्रेम यस है, और कार्क क्या है, एट रेस्ट पोजिशन में, जब वो रेस्ट पोजिशन में होगा तो हम मान लेते हैं कि फ्रेम यस और यस डैश। जब वो रेस्ट पोजिशन में होगा तो प्लेटफॉर्म
के ठीक सामने ही ट्रेन है, यानी दोनों फ्रेम क्या होंगे, एक ही स्थान पे होंगे, प्लेटफॉर्म के सामने ही होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, फ्रेम यस हो गया, और यहीं पे हमारा जो है हमारी ट्रेन भी खड़ी है जो कि फ्रेम यस डैश का रोल कर रही है। तो हम मान लेते हैं वो भी यहीं पर है, जिसका कोऑर्डिनेट फ्रेम यस का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, और फ्रेम यस डैश का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, ठीक है। फ्रेम यस डैश का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। एट एनी टाइम किसी समय जब फ्रेम यस डैश में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, हम मान लेते हैं कि फ्रेम यस का जो ऑब्जर्वर है वो इसके ओरिजिन पे लाइज करता है, और उस ऑब्जर्वर का नाम हम दे देते हैं ओ, और उसी क्षण जो ऑब्जर्वर फ्रेम यस डैश में है लाइज करता है, यानी जो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ऑब्जर्वर को हम मान लेते हैं कि वो भी वहाँ के ओरिजिन पे ट्रेन के यानी कि फ्रेम यस डैश के ओरिजिन पे लाइज करता है, और हम उस ऑब्जर्वर का नाम दे देते हैं ओ डैश, ठीक है। उस ऑब्जर्वर का नाम हम दे देते हैं ओ डैश। अब जब किसी क्षण वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर है, जब वो किसी क्षण किसी कार को किसी भी पत्थर के टुकड़े को उछालता है, जब पत्थर का टुकड़ा स्पेस में होता है, मान लेते हैं एट पॉइंट पी, जब यहाँ से उछालता है पत्थर का टुकड़ा यहाँ होता है, तो यहाँ एट पॉइंट पी पे, तो इसकी स्थिति को मेजर करते हैं, इसकी स्थिति को मेजर करते हैं फ्रेम यस और यस डैश के सापेक्ष, फ्रेम यस और यस डैश के सापेक्ष। जब फ्रेम यस के सापेक्ष अगर इसको मेजर करेंगे, तो फ्रेम यस इसको कैसे मेजर करेगा, अपने फ्रेम रेफरेंस सिस्टम की सहायता से, अपने रेफरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट मेजर करेगा, ठीक ना। कहाँ से मेजर करेगा, प्लेटफॉर्म से मेजर करेगा, तो प्लेटफॉर्म से वो कौन सा कोऑर्डिनेट मेजर करेगा, जो उसका रेफरेंस सिस्टम से का कोऑर्डिनेट है, यानी प्लेटफॉर्म से जो फ्रेम यस मेजर करेगा, तो फ्रेम यस इसकी स्थिति को मेजर करेगा कहाँ पे, एक्स वाई और जेड पे। ये कहेगा कि ये जो पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी कहाँ पे लाइज कर रहा है, इसका पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड पे है, यानी एक्स एक्सिस में ये एक्स मात्रक पे, वाई एक्सिस में वाई मात्रक पे, और जेड एक्सिस में जेड मात्रक पे ये लाइज करता है, यानी इसका ये पोजीशन जो है वो एक्स वाई जेड के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेम यस डैश में लाइज करने वाला जो ऑब्जर्वर है, यानी ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो ऑब्जर्वर है, वो इसको देखेगा, तो वो उसके अपना उसको जब मेजर करेगा, तो वो किसके सहायता से मेजर करेगा, अपने रेफरेंस सिस्टम के सहायता से। हमने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन में बताया है कि द पोजिशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट, या कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एन इवेंट आर एन ऑब्जेक्ट with or an object is known as the coordinate system which required to specify or which required to describe the position of an object an event or a particle इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वह कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु के या किसी कण के या किसी घटना के स्थिति को मेजर करते हैं, वही फ्रेम यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो जब हम यहाँ का यस डैश जो ऑब्जर्वर है, जब उस रेफरेंस सिस्टम की सहायता से हम इस पार्टिकल पी की स्थिति को मेजर करेंगे, तो यस डैश इसकी स्थिति को क्या बताएगा, वो बताएगा पार्टिकल पी कहाँ पे लाइज करता है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पे लाइज करता है, ठीक है, जेड डैश पे लाइज करता है। हम मान लेते हैं कि जब फ्रेम यानी कि फ्रेम यस और यस डैश दोनों रेस्ट पोजीशन में है, यानी ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति है दोनों रेस्ट पोजीशन में है, तो हम मान लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे दोनों रेस्ट में है, ठीक है। फिर हम मानते हैं कि ट्रेन धीरे धीरे एक समान वेग से मूव करने लगती है, ट्रेन क्या होती है, एक समान वेग से मूव करने लगती है। जब ट्रेन एक समान वेग से मूव करने लगती है, तो जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल पी हमारा है, वो भी एक समान वेग से मूव करने लगेगा। जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल पी भी मूव करेगा। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ फ्रेम यस है, फ्रेम यस में खड़ा हुआ यानी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, वो क्या बताएगा, वो कहेगा पार्टिकल जबकि यहाँ क्या है, एग्जैक्टली रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन फ्रेम जिस फ्रेम में लाइज करता है वो फ्रेम मूव करता है, इसलिए जो ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम से उसको मेजर करेगा, वो कहेगा कि ट्रेन के अंदर जो पार्टिकल है वो मूविंग पोजीशन में है। क्यों, क्योंकि विथ टाइम उसके पोजीशन में चेंजिंग होगी। तो इस प्रकार से फ्रेम यस का जो ऑब्जर्वर होगा वो उसके कोऑर्डिनेट को अलग मेजर करेगा, और फ्रेम यस डैश में लाइज करो उसी फ्रेम में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो उसी पार्टिकल को मेजर करेगा, उसी बॉडी को मेजर करेगा, तो कहेगा कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। और वो जबकि वो जब बाहर की ओर देखेगा तो वो कहेगा कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो क्या है, वो मोशन में है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में है और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी रेस्ट पोजीशन में, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है इसलिए प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए व्यक्ति को ट्रेन मूव करते हुए दिखेगी, और ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी मूव करते हुए दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव करते हुए दिखेगा, और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसको प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो मूव करता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो जिस रेफरेंस सिस्टम में लाइज करता है वो रेफरेंस सिस्टम कैसा है, मूविंग फ्रेम है, मूव कर रहा है, इसलिए उसको ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा।
यानी दोनों एक ही कंडीशन मेजर कर रहे हैं, यानी फ्रेम यस का ऑब्जर्वर फ्रेम यस डैश के ऑब्जर्वर को मोशन में देख रहा है और फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर फ्रेम यस के ऑब्जर्वर को मोशन में देख रहा है। तो यानी कहने का मतलब फ्रेम यस का ऑब्जर्वर अगर फ्रेम यस डैश के ऑब्जर्वर को, ये केवल इनर्शियल फ्रेम में होगा जब दोनों फ्रेम एक दूसरे के इनर्शियल फ्रेम होंगे तो एक फ्रेम का ऑब्जर्वर जो स्थिति दूसरे फ्रेम के फ्रेम की मेजर करेगा, वही दूसरे फ्रेम का ऑब्जर्वर सेम पॉइंट सेम पोजीशन मेजर करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। वो कहेगा अगर ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो प्लेटफार्म का ऑब्जर्वर कहेगा क्या कि ट्रेन पूरब से पश्चिम जा रही है, लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो ऑब्जर्वर कहेगा कि प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है कि ऑब्जर्वर प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर रेस्ट में है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वो कहेगा कि प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति पश्चिम से पूरब जा रही, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेगा। कहने का मतलब है कि फ्रेम यस से जब हम यस डैश की स्थिति को मेजर करेंगे, जब फ्रेम यस और यस डैश ये दोनों इनर्शियल फ्रेम हैं, तो फ्रेम यस से जब हम यस डैश की स्थिति मेजर करेंगे तो वही स्थिति मेजर करेंगे जो फ्रेम यस डैश से यस की स्थिति मेजर होगी, समझ रहे ना, यानी फ्रेम यस का ऑब्जर्वर यस डैश के ऑब्जर्वर की जो स्थिति मेजर करेगा वही स्थिति फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर फ्रेम यस में लाइज करने वाले ऑब्जेक्ट की स्थिति को मेजर करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो कहेगा कि 2 मीटर वो पूरब दिशा में जा रहा है तो कहेगा यस डैश का ऑब्जर्वर बताएगा कि वो 2 मीटर पश्चिम की दिशा की ओर प्रस्थान किया है, ठीक ना। इस प्रकार से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को रिलेट करते हैं, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और आसानी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति एक फ्रेम के सापेक्ष दूसरे फ्रेम में लाइज करने वाले ऑब्जेक्ट की स्थिति को ऑब्जर्व कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के माध्यम से हम ये बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे इस समय में ये कहाँ पे पहुँचा होगा, किस पॉइंट पे लाइज कर रहा होगा, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से हम मेजर करते हैं, तो वही चीज़ हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को जनरली लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ इक्वेशन, हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट्स स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, यहाँ लिख सकते हैं द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट्स द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट्स द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट which relates space-time coordinate of an event, which relates space-time coordinate of an event with respect to two inertial frame of reference, with respect to two inertial frame of reference having relative motion between them are called Galilean transformation equation, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं the Galilean transformation are used to transform the
आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ठीक है, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हमने लिखा द गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव मोशन। ठीक है, द सेट ऑफ इक्वेशन विच रिलेट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट of an event with respect to two inertial frame of reference having relative motion between them are called Galilean transformation equation। यानी कह रहा है कि द सेट ऑफ इक्वेशन यानी इक्वेशन का वह समूह, समीकरणों का वह समूह विच रिलेट, जो कि संबंधित होता है या रिलेट करता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट का, मतलब है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हम उसको कहते हैं जिसमें हम पोजिशन के साथ साथ टाइम कोऑर्डिनेट को भी मेजर करते हैं। यानी जब हम फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करते हैं, फोर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं, एक्स वाई जेड के साथ टाइम कोऑर्डिनेट को भी ले लेते हैं, तो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो वही कह रहा है द सेट ऑफ इक्वेशन यानी कि इक्वेशंस का वह सेट विच रिलेट यानी जो संबंध रखता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ, यानी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट किसी भी घटना के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट यानी एक्स और पोजिशन और टाइम कोऑर्डिनेट के साथ, पोजिशन ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट के साथ किसी भी घटना के यानी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन रखता है विथ रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। यानी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच जो सापेक्ष गति होती है, उस सापेक्ष गति में किसी भी घटना के, किसी भी फ्रेम में लाइज करने वाले किसी भी फ्रेम के सापेक्ष किसी भी घटना के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ जो संबंध होता है, वही संबंध हमारा सेट ऑफ इक्वेशन, वही सेट ऑफ इक्वेशन हमारा कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यानी समीकरणों का वह समूह जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट यानी दो इनर्शियल फ्रेम जो कि एक दूसरे से सापेक्ष गति में हैं, दो इनर्शियल फ्रेम जो कि एक दूसरे से सापेक्ष गति में हैं, उनके सापेक्ष स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ जो संबंध होता है, वही समीकरणों का समूह यानी उन्हीं संबंधों का समूह ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को दूसरे पार्टिकल यानी एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ ये पार्टिकल P है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के पदों में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फ्रेम एस डैश के कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम जिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। यानी किसी भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन का यूज करते हैं। यानी जैसे ये पार्टिकल P है, P का कोऑर्डिनेट फ्रेम S के सापेक्ष एक्स वाई जेड है, इसी एक्स वाई जेड को फ्रेम S के कोऑर्डिनेट को फ्रेम S डैश के कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू में बदलना है, तो हम आसानी से एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट को दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदल पाएंगे ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हमने पीछे भी आपको बताया कि हम दो फ्रेम कंसीडर करते हैं, फ्रेम यस और यस डैश, हम मान लेते हैं कि फ्रेम यस और यस डैश है। ठीक है, हम यस का कोऑर्डिनेट मानते हैं एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और फ्रेम यस डैश का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं एक्स डैश वाई डैश और यहाँ जेड डैश मान लेते हैं। ठीक, इसका ओरिजिन हम ओ मानते हैं, इसका ओ डैश मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू लिख सकते हैं या टी डब्ल्यू लिखे, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, हैविंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, हैविंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एक्स वाई जेड एंड 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 एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एज विथ ओ एंड ओ डैश एज ओरिजिन, ये लिखे विथ ओरिजिन ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है रेस्पेक्टिवली। अब यहां से देखते हैं, हमने मान लिया लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। हमने टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ लिखा है तो आप लिख सकते हैं यस एंड यस डैश। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश हैविंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश विथ ओरिजिन ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली, यानी फ्रेम यस का ओरिजिन ओ, फ्रेम यस डैश का ओरिजिन ओ डैश, और इनका कार्टेजियन कोऑर्डिनेट फ्रेम यस का एक्स वाई जेड और फ्रेम यस डैश का एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होता है। ठीक, यहाँ मान लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बोथ द फ्रेम फ्रेम इज एट रेस्ट, हेंस इज एट रेस्ट, हेंस द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, हमने मान लिया है कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बोथ फ्रेम इज एट रेस्ट, हैंस द ओरिजिन इज एट रेस्ट यानी रेस्ट पोजिशन में है, हैंस द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, यानी और मान लिया हमने कि ओरिजिन ओ और ओ डैश है वो कोइंसाइड करता है एक दूसरे से। हमने मान लिया कि किसी समय टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे यानी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे दोनों फ्रेम क्या है रेस्ट पोजिशन में है, और दोनों फ्रेम का जो यानी कि ओरिजिन है हैंस द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश यहाँ लिख सकते हैं, या दस द ओरिजिन यहाँ लिख सकते हैं द ओरिजिन ओ एंड ओ डैश, ओरिजिन ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो कोइंसाइड कब करेंगे जब फ्रेम यस और यस डैश एक ही पॉइंट पे एक ही ओरिजिन पे लाइज करेंगे, तो वो एक ही ओरिजिन पे लाइज करते हैं यानी ओ भी यही है ओ डैश भी यही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर यहाँ इस समय अगर हम किसी भी पार्टिकल को कंसिडर करें, मान लें कि ये पार्टिकल पी है, तो इस पार्टिकल पी का अगर पोजिशन है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसिडर किया जाए तो पार्टिकल पी का पोजिशन फ्रेम यस के सापेक्ष अगर हम लें तो पोजिशन क्या होगा एक्स वाई जेड हम कंसिडर करेंगे, और वही चीज़ अगर हम फ्रेम यस डैश के सापेक्ष कंसिडर करें तो फ्रेम यस डैश के सापेक्ष हम इसी पार्टिकल की स्थिति को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कंसिडर करेंगे। ठीक, हमने मान लिया कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जब टी की वैल्यू जीरो है, जब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम मानते हैं कि फ्रेम यस और यस डैश एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं, एक ही ओरिजिन पे लाइज करते हैं, जिससे उनका ओरिजिन फ्रेम यस और यस डैश का ओरिजिन ओ और ओ डैश या उनकी जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ आफ्टर टाइम टी, टी समय के पश्चात हम मान लेते हैं, अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि टी समय के पश्चात यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, मानते हैं कि टी टाइम के पश्चात या हम मानते हैं कि फ्रेम यस डैश हमारा है, लेट अस मान लेते हैं यहाँ से कि जब कोइंसाइड करते हैं टी इक्वल टू जीरो और उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो हमारा फ्रेम यस डैश है वो एक समान वेग वी से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो हम मान लेते हैं कि फ्रेम यस डैश जो हमारा है यहाँ मानते हैं, देखिएगा ये फ्रेम हो गया हमारा यक्स वाई जेड हो गया, यक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए अब यहाँ
ये फ्रेम हम यक्स यक्स डैश का मतलब है जानते हैं, एक्स एक्स डैश का मतलब है कि फ्रेम यक्स या यस का यक्स ही है, ये ही एक्सिस है, वो यक्स डैश इसका है। हाँ, तो ये मान लेते हैं फ्रेम यस डैश है, ये फ्रेम हमारा यस है, इसका ओरिजिन ओ है, इसका ओरिजिन हम मान लेते हैं ओ डैश है, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, जेड डैश हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आप यहाँ एक पार्टिकल पी है, फ्रेम यस डैश में एक पार्टिकल पी लाइज करता है, पी लाइज करता है, जब पार्टिकल पी कंसीडर करें, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर फ्रेम या लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश, यस इज बीइंग एट रेस्ट एंड यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। हम मान लेते हैं कि यस डैश जो हमारा है एक समान वेग, या हम मान लेते हैं कि जो फ्रेम हमारा यस डैश है वो एक समान वेग वी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करता है। लेकिन हम मान लेंगे कि फ्रेम यस यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू यस, तो हम यहाँ से द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर, दो यानी कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है जो फ्रेम यस और यस डैश में लाइज करते हैं उनकी पोजीशन को हम मान लेंगे, द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर इज कोइंसाइड विथ ओरिजिन ओ एंड ओ डैश। द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे कि द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश ऑब्जर्विंग एन इवेंट एट एनी पॉइंट पी कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ टू फ्रेम यस एंड यस डैश, देन द प्रॉब्लम इसके आधार पे हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ से कि जो इनकी द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश है वो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी घटना पी को कोइंसाइड विद द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करते हैं, ठीक ना, कोइंसाइड विद द ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करते हैं, उसके आधार पे हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। देखिएगा, बात समझिए, हमने यहाँ मान लिया कि फ्रेम यस और यस डैश है, दोनों कोइंसाइड करते हैं कब, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, दोनों ऑब्जर्वर यहाँ पे लाइज करने वाली किसी घटना पी को जो फ्रेम यस डैश में लाइज करती है, इस घटना पी को दोनों ऑब्जर्वर कोइंसाइड पोजीशन से मेजर करते हैं, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ लिखता है, इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश ऑब्जर्विंग एन इवेंट एट एनी पॉइंट पी कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ टू फ्रेम यस एंड यस डैश, दो फ्रेम यस और यस डैश के साथ ये कोइंसाइड करते हैं। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक ना, ये पार्टिकल जब t इक्वल टू जीरो पे हम कंसीडर करेंगे, तो t इक्वल टू जीरो पे इसका अगर हम पोजीशन मेजर करें तो इस पार्टिकल का, यही पार्टिकल p अगर हम माने कि यहाँ पे लाइज करती थी, यहाँ पे लाइज करती थी फ्रेम यस डैश में लाइज करती थी, तो फ्रेम यस डैश और यस क्या है, एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड करते हैं t इक्वल टू जीरो, तो इस पार्टिकल का अगर हम कोऑर्डिनेट पूछें तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ के सापेक्ष, यानी फ्रेम यस के सापेक्ष कंसीडर करें तो फ्रेम यस का के सापेक्ष कोऑर्डिनेट, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड के सापेक्ष इसका पोजीशन हमको प्राप्त होगा, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड। फ्रेम यस डैश के सापेक्ष अगर लेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश होगा, ठीक, लेकिन जब ये फ्रेम यस डैश हमारा वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो जो यहाँ पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी भी यस के सापेक्ष क्या होगी, वी वेलोसिटी से मूव करेगी, तो वी के सापेक्ष यस के फ्रेम यस के सापेक्ष यानी ऑब्जर्वर ओ के सापेक्ष पार्टिकल पी की स्थिति में परिवर्तन होगा, पार्टिकल पी की स्थिति परिवर्तित होगी यानी उसका पोजीशन चेंज होगा, तो फ्रेम यस के सापेक्ष उसके पोजीशन में कितनी चेंजिंग होगी, तो फ्रेम यस के सापेक्ष वो यस डैश में लाइज करता है तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी फ्रेम यस का कोऑर्डिनेट यस डैश के कोऑर्डिनेट के साथ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, यही इक्वेशन हमको फाइंड करना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, ठीक। तो यहां से हम मान लेते हैं, हम मानते हैं कि लेट अस कंसीडर यस एंड यस डैश आर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस इज बीइंग एट रेस्ट एंड यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू यस, द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश व्हिच ऑब्जर्व द एन इवेंट पी व्हिच ऑब्जर्व द एन इवेंट एट एनी पॉइंट पी which coincide with origin O and O dash, which coincide with origin of two frame S and S dash, जो frame S और S dash के origin के साथ coincide करता है उस particle P के position को ये दोनों observer O और O dash observe करते हैं, तो after time T, जब T time के पश्चात हम consider करेंगे, तो T time के पश्चात हम मानते हैं कि frame S जो यहाँ coincide कर रहा था, T time के पश्चात जब भी एक समान वेग से चलेगा तो एक second, यानी कहने का मतलब एक second में भी meter की दूरी तय करेगा, T second में कितना जाएगा, भी T दूरी तय करेगा, यानी फ्रेम यस डैश की जो स्थिति होगी यस से आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगी, वी टी हो जाएगी, ठीक है। और यहां जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट फ्रेम यस डैश के सापेक्ष जब आप ऑब्जर्व करेंगे, तो यस डैश के सापेक्ष इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, और फ्रेम यस के सापेक्ष इसका कोऑर्डिनेट अगर कंसीडर करेंगे तो एक्स वाई जेड और टी होगा, किसका, इस पार्टिकल इस इवेंट का, इस इवेंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा फ्रेम यस के सापेक्ष एक्स वाई जेड और टी होगा, इसके फ्रेम यस डैश के सापेक्ष इसका स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होगा, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होगा, ठीक है।
यहाँ से मान लेंगे, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश, यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू यस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। केस फर्स्ट बनाएंगे जब हमारा जो फ्रेम यस डैश है, व्हेन द सेकेंड फ्रेम, यहाँ लिख सकते हैं व्हेन द सेकेंड फ्रेम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वी रिलेटिव टू यस रिलेटिव टू यस व्हेन सेकेंड फ्रेम यस डैश इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू यस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू यस एलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जब चलेगी तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जब जाएगा तो यहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे फ्रेम यस के सापेक्ष, यहाँ लिख सकते हैं देन द ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट या ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ऑब्जर्वर of an event P at time t is, तो दो ऑब्जर्वर का जब हम ऑब्जर्वेशन यहाँ कंसीडर करेंगे, ध्यान से बात समझिएगा, ओ के हिसाब से जब हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं देन द ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश ऑफ द सेम इवेंट हैपनिंग एट P may be seen to be related to the following equations, ऐसा हम कह सकते हैं, then the observation of two observer of an event, two observer O and O dash भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, two observer O and O dash of an event P at time T is, T time में जब हम यहाँ consider करें तो पहले क्या था, पहले हमने आपको बताया कि frame S dash कहाँ था, यही था, after time T जब V velocity, V एक समान वेग से चलेगा along the positive direction of x axis, केवल x axis के धनात्मक दिशा में एक जो हमारा फ्रेम है वो केवल x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जो भी चेंजिंग हमको फाइंड होगी वो एक्स एक्सिस में ही फाइंड होगी, ना तो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है ना जेड एक्सिस में, तो केवल जो चेंजिंग होगी केवल एक्स एक्सिस में फाइंड होगी। तो यहाँ से देखिए, जब एक समय एक समान समय के साथ यानी टी टाइम में ये ट्रेवल करेगा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करेगा, तो एक्स एक्सिस के जब पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगा तो ध्यान से बात देखिएगा, तो फ्रेम यस डैश में टी टाइम में चलेगा तो एक समान वेग वी से चलेगा, टी टाइम में कितनी दूरी जाएगा वी टी दूरी जाएगा, तो हमने मान लिया कि फ्रेम यस से टी टाइम में हमारा जो फ्रेम यस डैश होगा वो कितनी दूरी पर होगा वी टी दूरी पर होगा, इसलिए हमने इसको वी टी कंसीडर किया। फ्रेम यस से इस पॉइंट पी का जो ऑब्जर्वेशन पोजीशन हम मेजर करेंगे तो फ्रेम यस से इसका पोजीशन क्या होगा, यक्स होगा, यक्स होगा, क्योंकि यक्स एक्सिस में लाइज करता है, तो फ्रेम यस से जब मेजर करेंगे तो इसका यक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका यक्स होगा, वाई एक्सिस का पे वाई ही रहेगा, जेड एक्सिस का जेड रहेगा, क्योंकि जेड में मोशन तो हो नहीं रहा है तो जेड में कोई चेंजिंग नहीं है, तो जो यहाँ पे था पहले वही है, पोजीशन में केवल चेंजिंग किस में होगी, यक्स एक्सिस में होगी, इसलिए यक्स हमने कंसीडर किया। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, यक्स होगा फ्रॉम फ्रेम यस फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ, ऑब्जर्वर ओ इसके पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा कि यक्स एक्सिस में यक्स दूरी पे पार्टिकल लाइज करता है, ओ डैश का ऑब्जर्वर इसको लाइज करेगा कि यक्स यस डैश में जो ये पार्टिकल पी है वो यस डैश में ओरिजिन से यक्स डैश दूरी पे लाइज करता है, जबकि जो यहाँ का ऑब्जर्वर फ्रेम यस का ऑब्जर्वर है जो कि उसके ओरिजिन पे लाइज करता है, यहाँ का ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा कि ये हमारे से यानी कि ओरिजिन से यक्स मीटर की दूरी पे लाइज करता है, यानी फ्रेम यस से यस डैश में वो कितनी दूरी पे है, फ्रेम यस के ओरिजिन से फ्रेम यस डैश में वो यक्स दूरी पे है, जबकि फ्रेम यक्स यस डैश से वो फ्रेम यस डैश में यक्स डैश दूरी डिस्टेंस पे है, ठीक। तो इसके आधार पे हम आफ्टर टाइम टी जब ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, ऑब्जर्वेशन कंसीडर करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेम यस से कर रहे हैं, तो फ्रेम यस से किसके किसको मेजर कर रहे हैं, ओ पी को, पी को मेजर कर रहे हैं, तो ओ से पी के बीच की डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू होगा, ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ओ से पी के बीच की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यही पी है ना, यहाँ हम मान लेते हैं ए ए पॉइंट ए पे लाइज करता है या ए मान लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू हम मान लें एक्स एक्सिस में ए पे लाइज करता है, तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ओ डैश, क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे किसके, पार्टिकल पी के पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पार्टिकल पी हम मान लेते हैं कि किस पे लाइज कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट ए पे लाइज करेगा, इतनी इसी मात्रक पे होगा ना, यही होगा, तो हम यहाँ से मान लीजिए ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए के होगा,
ठीक। फ्रेम यस के साथ पे जब इसको इसकी स्थिति को मेजर करेंगे तो इसकी स्थिति क्या है, फ्रेम यस से कितनी दूरी पे है, ओ ए पे है, ओ ए पे है तो ओ ए की वैल्यू निकालेंगे, ओ ए बराबर कितना होगा, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए हमने कर लिया, ठीक है। ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ ओ ए इज इक्वल टू होगा, ओ ए बराबर कितना है, ओ ए इज इक्वल टू देखिए यक्स के बराबर है तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स के, ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी है, ओ ओ डैश की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा वी टी, ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी टी है प्लस हो जाएगा यक्स डैश के, या इम्प्लाइज दैट यहीं से कर ले एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, यक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, ऑलरेडी यक्स डैश के इज इक्वल टू हो गया यक्स माइनस वी टी के, तो हम कह रहे हैं कि जो मोशन है एलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यानी केवल एक्स एक्सिस में मोशन होता है, तो जो चेंजिंग होगी वो कितनी होगी, यक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के होगा, यानी फ्रेम यस से जो पार्टिकल पी हमारा है वो कितनी दूरी पर लाइज करेगा, वो पार्टिकल पी यक्स डिस्टेंस पर यानी यक्स डैश डिस्टेंस पर लाइज करेगा, कहाँ, फ्रेम यस डैश से, यक्स डैश फ्रेम यस डैश के ओरिजिन से यक्स डैश डिस्टेंस पे होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स माइनस वी टी के बराबर होगी। तो यहाँ का ऑब्जर्वर ये बताएगा, फ्रेम यस का जो ऑब्जर्वर है ये बताएगा कि ये जो पार्टिकल पी है ये फ्रेम यस डैश में यक्स डैश डिस्टेंस पे यानी यक्स माइनस वी टी डिस्टेंस पे लाइज करेगा, ठीक ना, एक्स माइनस वी टी डिस्टेंस पे लाइज करेगा। तो ये हमारा आ गया एक्स माइनस एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वी टी के, वाई डैश में मोशन होता नहीं है तो यहाँ इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं आप एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के, तो वाई डैश में कोई मोशन नहीं है, वाई डैश में कोई चेंजिंग नहीं, वाई डैश इक्वल टू वाई हो जाएगा, जेड डैश इक्वल टू जेड हो जाएगा और टी डैश इक्वल टू टी हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे, यही हमारा है, लिख सकते हैं दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, व्हेन द सेकंड फ्रेम इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, कब, जब दूसरा फ्रेम पहले फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग वी से मूव करता हो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ लिख सकते हैं दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। उम्मीद है आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही, एक केस और भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।